आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी क्रंची नमक पारे। नमक पारे आज हम लेयर वाले बनाने वाले हैं, अलग तरीके से बनाने वाले हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये लेयर वाले हैं तो अंदर तक क्रिस्पी होंगे, क्रंची होंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लेयर्ड वाले नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें 2 कप हम मैदा डाल लेंगे। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप आटा ले सकते हैं। अब आधी छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे या स्वाद अनुसार नमक। आधी छोटी चम्मच मैंने अजवाइन ली है, अजवाइन को क्रश करके डाल लेंगे जिससे इसका फ्लेवर उभर कर आएगा। 1 चम्मच मैं तिल डाल रही हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और 4 से 5 बड़े चम्मच मैं पिघला हुआ घी ले रही हूँ। घी आप ज़रूर डालना जिससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ये। मोइन अच्छे से लगा लेंगे, मिक्स कर लेते हैं। देखिए होल्ड करेंगे आटा, अगर ऐसे आटा होल्ड हो रहा है तो ये बनकर तैयार है। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर आटा लगा लेंगे, एकदम सख्त आटा हम लगाएंगे जैसे समोसे के लिए लगाते हैं। तो आटा मैंने लगा लिया है, हल्का सा मैंने इसे सख्त रखा है, देखिए आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा सख्त आटा लगाएंगे हम इसका। थोड़ा सा तेल डालकर इसे हम ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आटा सेट हो गया है तो इसे चेक कर लेते हैं, देख, और इसे 2 से 3 मिनट हम अच्छे से मसल लेंगे। और इसमें से मैं 5 भाग करने वाली हूँ इसके, ऐसे कट कर लेंगे जिससे एक जैसी लोइयां बनकर तैयार होंगी। तो लोइयां बना लेते हैं, ऐसे मसल मसल कर चिकना कर लेंगे और इसकी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर ज़्यादा नरम आटा है तो आप थोड़ा मैदा लगा लीजिए। तो आप इसे बेल लेते हैं हम। तो किचन काउंटर पर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, उस पर बेल रही हूँ मैं। अगर ज़्यादा नरम है आटा तो आप सूखा मैदा ज़रूर ले लीजिए, और सूखा मैदा डालकर इसे अच्छे से बेल लीजिए। एकदम पतली रोटियाँ हम बेल लेंगे, बड़ी बड़ी हम रोटियाँ बेलेंगे, एकदम ऐसी, देखिए आर पार हाथ दिखना चाहिए, इतनी पतली हम बेलेंगे, बिल्कुल ऐसे। और भी हम बेल लेते हैं ऐसे ही। तो एक और लोई लेंगे और इसे बेल लेते हैं किचन काउंटर पर, हल्की सी पतली हम लेयर बनाएंगे इसकी। नमक पारे थोड़े मोटे होते हैं लेकिन हम 5 लेयर बनाने वाले हैं। अब मैंने एक ग्लास लिया है, उसमें हम 2 चम्मच पिघला हुआ घी डाल लेंगे, साथ ही साथ 2 चम्मच हम मैदा डाल रहे हैं। इसका घोल तैयार कर लेंगे, जब हम नमक पारे बनाएंगे तो उसे चिपकाने के काम आएंगे। और एक के साथ हम 1 रोटियां रखेंगे, उसकी लेयर बनाएंगे 5, तो उसमें भी हम इसे लगाएंगे। तो इसे अच्छे से घोल लेते हैं और इसे साइड में रख देंगे। अब जो रोटी हमने बेल ली है, पहली रोटी लेंगे और उसके ऊपर हमने जो घोल बनाया है वो लगा लेंगे। ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं या आप हाथों से ही लगा सकते हैं इसे, अच्छे से लगानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी रोटी इस पर जो हमने बेली है वो रख लेंगे, इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे। 1 रोटी मैंने रख ली है, उसके ऊपर भी ऐसे ही हम घोल लगा लेंगे और तीसरे वाली रख लेंगे। इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, सारी एक जैसी ही रोटियां होनी चाहिए। अब इसके ऊपर भी हम ऐसे ही लगा लेते हैं घोल को, और एक के साथ एक लगा के हम 5 रोटियां ऐसे ही लगा लेंगे। तो 5 लेयर मैंने लगा ली हैं। अब जो अनइवन लेयर है, जो साइड में एक जैसा नहीं है, वो हम कट कर लेते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसकी अलग अलग लेयर हैं, तो इसे हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसके भी नमक पारे बना लेंगे हम ऐसे ही। तो हटा लेते हैं इसे। अब इसे हम 4 भागों में कट कर लेते हैं। एकदम एक जैसी होनी चाहिए ये। अब स्क्वायर पीसेस हम इसके कट कर लेते हैं, जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे। और एक के साथ एक के ऊपर एक लेयर लगाने के बाद, जैसे 5 लेयर हमने लगा ली, तो उसको फिर बेलना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी और लेयर अच्छे से खुल नहीं पाएंगी। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही 5 लेयर अलग अलग होनी चाहिए। ये अभी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अपने आप ही निकलने लगेंगी। अब इसे कट कर लेंगे ऐसे ट्राइंगल में, एक पीस में से हम 2 पीस बना लेंगे ऐसे,
और जो हमने घोल बनाया है उसे इसे ऐसे करके चिपका लेंगे, एक के ऊपर एक लगा लेंगे। यहाँ लगा लेते हैं हम जो इसके कॉर्नर है, इस पे घोल लगा लेंगे और इसे अच्छे से चिपका लेंगे, ऐसे बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छे से आप बंद करना इसे, नहीं तो ये खुल जाएंगी जब आप फ्राई करेंगे। और ये काम एकदम फास्ट करना, नहीं तो ये सूखने के बाद बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। ऐसे ही हम सारी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने सारी बनाकर तैयार कर ली हैं, अब हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल मीडियम गरम कर लिया है मैंने, एकदम मीडियम हम तेल को गरम करेंगे, ज़्यादा तेज़ गैस को नहीं रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगी, अंदर तक लेयर नहीं पकेंगी। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। देखिए हल्का हल्का कलर इस पर आने लगा है, इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। इनमें बहुत ही प्यारा कलर आने लगा है, मैंने सबसे पहले डाली थी उसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। और लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी, अलग अलग लेयर ये निकलने लगी हैं। ये देखिए इनमें बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। अब हम निकाल लेते हैं, एक टिश्यू पेपर पर हम इन्हें निकाल लेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। सारे ही हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। और देखिए मैं यहाँ इसका कलर दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा आया है और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अब दूसरा वाला पेच भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप एक मिनट के लिए गैस को बंद कर दीजिए, फिर इन्हें फ्राई कीजिए। तो देखिए दूसरे वाला बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है और अलग अलग लेयर बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी हैं। सारी हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे ही नमक पारे बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं देखने में भी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, क्योंकि लेयर्ड वाले हैं तो ये अंदर तक क्रिस्पी हैं। आप गर्मा गर्म चाय के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर तक पके हुए हैं, एक एक लेयर बिल्कुल खुल गई है इनकी। और देखिए तोड़कर इसे दिखा रही हूँ मैं, अंदर तक लेयर एकदम पकी हुई है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो आप इसे बना सकते हैं। और एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, जब इन्हें हम फ्राई कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू लो ही रखें, तभी इनको फ्राई करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ढेर सारे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।